Hello students, I hope you are well at your home. Today we are going to learn science of class 5, chapter number 9, air and water. Today's topics are composition of air and properties of air. Air occupies space. In previous video, we have learned about what is air and their layers of atmosphere. आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ एयर मींस एयर की संरचना कैसी होती है और एयर में कौन कौन सी गैसेस होती हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती है मींस एयर में क्या क्या क्वालिटी होती है और उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस मींस हवा जगह घेरती है. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके स्टूडेंट, सो लिसन केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एंड द टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एयर. कंपोजिशन ऑफ एयर मींस एयर की संरचना मींस हवा की रचना कैसी होती है. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट एयर लेयर्स ऑफ एटमोसफियर and there are several layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and ionosphere and exosphere. And that's importance of atmosphere. कि उनके क्या importance है वो हमने previous video में पढ़ा था. और आज का जो हमारा topic है वो composition of air means air की रचना कैसी होती है. Air is a mixture of many gases. जो air होती है हवा है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है. मीन्स जो हवा में बहुत सी गैसें प्रेजेंट होती हैं. अबाउट 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन. और एयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका जो परसेंट होता है वो 78. मीन्स 78% एयर में नाइट्रोजन होता है. एंड 20% इज ऑक्सीजन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग थिंग्स. जो 21% ऑक्सीजन गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारी लिविंग थिंग्स के लिए. जो हम लिविंग थिंग्स से मिलते हैं जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन गैस. रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ अदर गैसेस सच एज हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो इनमें बच जाती है जो 1% गैस बच जाती है उनमें अदर गैसेस और गैसें हैं जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियॉन, आर्गन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है. इन गैसों में जो ये जितनी भी ये गैसें हैं वो 1% होती हैं. एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. इन हाई ह्यूमिडिटी यू फील स्वेटी एंड अनकंफर्टेबल. वाटर वेपर मीन्स जो वाष्प जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पानी का जो वाष्प भाप जिसको कहते हैं वो हवा में प्रेजेंट होती है. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. और जो वाटर वेपर होता है जो वाष्प होता है एयर हवा में जो वाष्प का जो अमाउंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में हम नमी भी कहते हैं. इन द हाई ह्यूमिडिटी यू फील स्वेटी एंड अनकंफर्टेबल. और जब हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है जब ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है नमी हो जाती है तो आपको फील होता है किसका स्वेटी एंड अनकंफर्टेबल. स्वेटी यानी पसीना जैसा होने लगता है या अनकंफर्टेबल होने लगता है किसकी वजह से हाई ह्यूमिडिटी की वजह से. एयर ऑल्सो हैज डस्ट एंड स्मोक विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और हवा में डस्ट भी होता है धूल एंड स्मोक धुआं भी होता है जो प्लेस टू प्लेस भी हर जगह कहीं पे भी हो सकता है. यू कैन सी इन द पिक्चर कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स ये एयर की कंपोजिशन है संरचना है. जैसे नाइट्रोजन है वो इतने परसेंट पे होता है ऑक्सीजन एंड जो अदर गैसेस होती है वो 1% इस टाइप में होते हैं. द फैक्ट्री कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. जो एयर फैक्ट्री होती है वो कारण भी होता है किसका एयर पॉल्यूशन का. इन कोस्टल एरिया ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज हाई. जो कोस्टल एरिया होता है मीन्स जो समुद्र के तट होते हैं वो हमेशा उनमें ह्यूमिडिटी हाई होती है. मीन्स वहां पे नमी जो होती है वो बहुत हाई होती है. एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मीन्स एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं क्या गुण होते हैं एयर में. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. जो हवा होती है वो
जगह घेरती है, मींस कहीं पे भी अगर किसी डिब्बे में अगर आप हवा को भरेंगे तो वो जगह घेरती, स्पेस लेता है. एयर हैज वेट, और हवा के पास वेट होता है, उसका भार होता है. एयर एक्सर्ट प्रेशर, और जो एयर होता है वो प्रेशर को खींचता है, दबाव दबाव लगाता है, प्रेशर को खींचता है. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, और एयर जो होता है वो बर्निंग बर्निंग करने में भी, जलाने में आवश्यक होते हैं. अगर किसी भी चीज को, जैसे लकड़ी है या किसी भी चीज को अगर बर्न करना है तो उसके लिए एयर बहुत जरूरी है. विदाउट एयर बर्न नहीं होगा. एयर एक्यूपाइज स्पेस. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, एयर एक्यूपाइज स्पेस मीन्स हवा एक्यूपाइज मीन्स जगह घेरता है. यू फील एयर व्हेन द विंड ब्लोस और द फैन इज ऑन, यू कैन नॉट सी इट बट इट इज वेरी वेयर. Some easy experiments to prove that air occupies space. You feel air. आप हवा को सिर्फ feel कर सकते हो. जब wind blow होती, जब हवा बहती है, तब आप हवा को feel कर सकते. And or the fan is on the gad, not see. और जब fan या हवा blow करती है या fan चलता है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हैं. लेकिन ये हर जगह, everywhere. But you cannot see. सम इजी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर एक्यूपाइज स्पेस. और आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिससे ये प्रूव होता है कि एयर एक्यूपाइज है, मीन्स वो जगह घेरता है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, व्हेन वी ब्लो अप अ बलून इट ग्रोज इन साइज. व्हाट इज इन इट? इफ वी स्क्वीज अ ब्लोन अप बैलून द एयर इन साइड इज पुश्ड आउट. देवी से एयर एक्यूपाइज स्पेस. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं कि जब आप एक बैलून को आप ब्लो करते हो, उसको फुलाते हो, तो उसका जो साइज है वो ग्रो करता है, वो बढ़ने लगता है. जब ये बढ़ने लगता है तो आपने कभी सोचा है कि ये है क्या, मींस इस बैलून के अंदर क्या चीज है? इफ यू स्क्वीज अ ब्लोन अप बैलून, और जब आप उस बैलून को स्क्वीज करते हो, दबाते हो, तो द एयर इन साइड इज पुश्ड आउट. उस एयर को अंदर से उसको पुश्ड करते हो बाहर की, तो द शे एक्यूपाइज स्पेस. तो हमें पता चलता है कि जो बैलून है उसके अंदर हवा है. इसका मतलब ये है कि हवा ने जगह घेरा है. कहाँ? बैलून्स में. ओके, तो इस तरीके से जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इससे पता चलता है कि जो एयर है वो एक्यूपाइज स्पेस है, मींस ये जगह घेरने वाला है. एंड द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू, एंड एक्सपेरिमेंट टू इज टेक एन ऑर्डिनरी टम्बलर. इज इट एम्प्टी? लेट अस सी. टेक अ बॉल एंड फिल इट विद वाटर. Try to push the empty tumbler into the water. You cannot do it. Do you know why? Let us find out. जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट किसका? एयर एक्यूपाइज स्पेस की. हवा भी जगह घेरती है. तो इसका एक्सपेरिमेंट टू है कि हम एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य से टम्बलर, ग्लास हो गया या कुछ ऐसा बर्तन लेंगे. एंड इज इट एम्प्टी? क्या ये खाली है? टेक अ बॉल एंड फिल इट वाटर. और हमने एक बॉल लेना है और इसको वाटर से फिल करना है. एंड ट्राई टू पुश द एम्प्टी टम्बलर इनटू द वाटर. टम्बलर मीन ग्लास है या कोई भी ऐसा बर्तन है. अब उस एम्प्टी टम्बलर को, पहले तो हमने एक बाउल में पानी लिया, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये कोई बाउल है, और एक टम्बलर, एक ग्लास लिया. अब उस जो बाउल है उसमें वाटर फिल करना है, और उस जो एम्प्टी टम्बलर है उसे पुश करना है वाटर में, इनटू द वाटर. यू कैन नॉट डू इट. आप नहीं कर पाओगे. डू यू नो ये ऐसा क्यों होता है? लेट अस फाइंड आउट. तो हम देखते हैं. टिल्ट द टम्बलर टू वन साइड. व्हाई डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या है, जैसे फर्स्ट आपने ये किया कि आपने पुश किया इस टम्बलर को, लेकिन आप नहीं कर पा रहे. अब जो सेकेंड स्टेप है इसका, आपने उसको टिल्ट, टिल्ट मीन्स उसको थोड़ा तिरछा करना. किसको? एक टम्बलर को. टिल्ट द टम्बलर टू वन साइड. वन साइड उसको क्या करना है? झुका देना. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? एयर बबल्स विल कम आउट, एंड एयर बबल्स कम आउट द टम्बलर, एंड वाटर स्टार्ट मूविंग इन टू द टम्बलर. द वाटर कैन एंटर इन टू द टम्बलर ओनली वेन द बबल्स कम आउट. एयर एस्केप.
and leave space for the water to go in. This shows that air occupies space. अब जैसे ही आपने टम्बलर को तिरछा के एयर बबल्स जो एयर बबल्स हैं यहां देख सकते हैं आप पिक में कि जो एयर बबल्स होते हैं वो बाहर की ओर यहां से आपने इस ग्लास को टिल्ट किया और ये जो बबल्स हैं ये कम आउट होते हैं ये बाहर की ओर आते हैं एंड एयर बबल्स कम आउट द टम्बलर और ये जो एयर बबल्स होते हैं वो टम्बलर से बाहर आते हैं एंड वाटर स्टार्ट मूविंग इन टू द और जो वाटर होता है वो मूव करने लगता है किसमें टम्बलर की ओर क्योंकि वहां से जो जो जगह हवा ने घेरी थी वो जगह वापस आके उसमें वाटर फिल हो जाते हैं एंड स्टार्ट मूविंग इन टू द टम्बलर और जो वाटर है वो स्टार्ट होता है मूविंग करना कहां टम्बलर में द वाटर कैन एंटर इन टू द टम्बलर ओनली वेन द बबल्स कम आउट अब टम्बलर में वाटर जो ग्लास है उसमें वाटर तभी एंटर करेंगे जब ओनली वेन द बबल्स कम आउट जब जो बबल्स है जो एयर होती है बबल्स मतलब उसमें हवा है तो वो एयर क्या है जब बाहर निकलेगी तभी इसमें वाटर एंटर करेगा एंड लीव स्पेस फॉर द वाटर टू गो इन और तभी जो स्पेस छोड़ा गया है उसमें वाटर जाएगा दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस और इससे ये शो होता है कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस मीन्स हवा जगह घेरती है ओके स्टूडेंट तो जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट टू से ये वेरीफाई होता है ये प्रूव होता है कि हवा जगह घेरती है ओके स्टूडेंट तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंपोजिशन ऑफ एयर कि हवा और प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एयर की क्या प्रॉपर्टीज है उसमें हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी एयर ऑक्यूपाइज के बारे में पढ़ा और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स और जो आज आपका होमवर्क है उसमें आपने जितना आपको रीड कराया गया है उसको आपने पढ़ना है समझना है और आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स आई होप ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे